जब पाई और लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम में हो तो उस समय अगर रिजोनेंस करेगा तो जो लोन पेयर होगा वो मूव करेगा बॉन्ड की तरफ। जैसे कि यहाँ पे एनएच टू जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH एनएच टू, तो इनके पास क्या होता है लोन पेयर होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो नया जो रिजोनेटिंग इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जो CH2 सिंगल बॉन्ड चूंकि इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, और ये CH के साथ ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा NH2, और N पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में। वैसे ही ध्यान क्या देना है कि जब भी एक्सेस जो रह रहा है इलेक्ट्रॉन जहां अधिक रह रहा है वो कहाँ जा रहा है, बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा है। कब हमने जब प्लस चार्ज रहेगा उस समय ही केवल क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड प्लस चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। ये जो है लोन पेयर इसकी तरफ मूव करेगा तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और वहां यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के मूव करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ एक माइनस चार्ज फॉर्म कर गया, इस पे एक प्लस चार्ज और यहाँ एक डबल बॉन्ड। उसी तरह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का जो माइनस चार्ज यहाँ पे मूव करेगा और ये यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा प्लस चार्ज, एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। वैसे ही बेंजीन रिंग पे है ये, और इस पे क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कोई भी क्लोरीन की जगह कोई भी हेलोजन भी प्रेजेंट हो, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन ये सब अगर रहे तो उस केस में क्या होगा, कुछ ऐसा ही होता है, क्या होगा लोन पेयर बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ एक माइनस चार्ज और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। दो लोन पेयर अभी भी रहेंगे, एक प्लस चार्ज जनरेट होगा। वैसे ही सेम यहाँ पे एक प्लस चार्ज और दो लोन पेयर रहेंगे। क्या होगा, ये अगर यहाँ मूव करेगा अब क्या करेगा इस रिंग में फिर से मूव करेगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ मूव करेगा तो इस पे क्या होगा एक माइनस चार्ज फॉर्म करेगा, फिर ये जो है इसमें इंटर करेगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और ये यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम नया भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका। और वैसे ही देखिए जो हम लोग जानते हैं जो ये रिंग है ये भी एरोमेटिक है, यहाँ पे क्या है कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम अगर प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर हो तो वो भी क्या होता है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये मॉलिक्यूल क्या है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, रिजोनेटिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर ही है। और क्या होता है कि ये जो है रिजोनेंस करता है, ये हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें एक यहाँ जो वाई है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर कोई भी हो सकता है, जब ऑक्सीजन होते इसे हम लोग क्या करते हैं फ्यूरॉन, अगर सल्फर हो तो थायफिन, इस तरह से इसका डिफरेंट नेम है। तो क्या होगा यहाँ से लोन पेयर वाला जो है इस यहाँ पे मूव करेगा तो इस पे एक प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा तो यहाँ एक माइनस चार्ज आ जाएगा। वैसे ही अब ये जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा तो यहाँ रिंग में, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड हो जाएगा वो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा यहाँ एक माइनस चार्ज बन जाएगा। अब क्या है अगर ये वाला फिर इस रिंग में इंटर करेगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, और यहाँ का जो रहेगा पाई इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन पे आके यहाँ एक माइनस चार्ज फॉर्म करेगा। इसी तरह से जब ये क्या करेगा यहाँ का माइनस चार्ज इस रिंग में फॉर्म करेगा तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ एक माइनस चार्ज फॉर्म करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम इस वाई पे प्लस चार्ज रहेगा, इस हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड का भी हम बना सकते हैं। इस तरह से पाई और लोन पेयर जब कंजुगेट सिस्टम में हो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम लोन पेयर का किस साइड कराएंगे, बॉन्ड की तरफ, बॉन्ड पेयर की साइड में।